हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि अगर आपको एक न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है तो इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो होगा कि आप बाउंड लाइन डायग्राम बना लीजिए और आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में खुद ही निकाल सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अगर आपको साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए आपको एक न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है और ये एग्जांपल सेम है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिया था। यहाँ पे फ्रंट कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ, और ये आपका बैक कार्बन है। बैक कार्बन पे यहाँ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2CH3, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ CH3, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। तो हमने कहा था कि इस कंपाउंड का आप पहले साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए। कैसे बनाइएगा? मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में ये सारे मॉलिक्यूल दिखेंगे, ग्रुप्स दिखेंगे, और राइट साइड में ये सारे ग्रुप दिखेंगे। तो पहले हम लोग फ्रंट कार्बन को यहाँ बनाते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे एक इन्वर्टेड बाई टाइप का शेप दिख रहा। तो लेफ्ट में कौन ग्रुप जुड़ा हुआ? लेफ्ट में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है ब्रोमीन, और राइट में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है OH, और ऊपर में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है हाइड्रोजन। तो ये हो गया फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन, ए वाला आपका बैक कार्बन है और ए वाला बेसिकली आपका फ्रंट कार्बन है। तो अब बैक कार्बन का हम लोग बनाते हैं साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो बैक कार्बन में आपको कैसा दिखेगा? बैक कार्बन में देखिएगा आपको एक बाई टाइप का शेप दिखेगा। तो आप यहाँ पे एक बाई टाइप का शेप बना लीजिए। तो इस बाई में आपको लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप दिखता है और राइट साइड में आपको CH2CH3 ग्रुप दिखता है और नीचे में आपको हाइड्रोजन ग्रुप दिखता है। तो यह हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन, और दोनों ही कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारा कहना ये है कि यहीं पे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं इस कंपाउंड का। तो कैसे निकालिएगा? पहले हम लोग फ्रंट कार्बन को देखते हैं, मतलब कि इस कार्बन को देखते हैं। तो आपको याद होगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है, जो सबसे पहला काम है, वो है हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो ब्रोमीन का प्रायोरिटी 1 होगा, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी 2 होगा, और इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका प्रायोरिटी 3 होगा, और हाइड्रोजन यहाँ आपका 4th प्रायोरिटी का ग्रुप। अब मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को आप इधर साइड से देख रहे हैं। इधर साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे OH। हाइड्रोजन 4 प्रायोरिटी, ब्रोमीन 1 प्रायोरिटी, ऑक्सीजन 2 प्रायोरिटी, और आपको एक बॉन्ड पीछे की तरफ दिखेगा जो कि पीछे की तरफ जा रहा। इस बॉन्ड से ए ग्रुप जुड़ा होगा CH3, CH2CH3, जिसका कि प्रायोरिटी होगा प्रायोरिटी नंबर 3। आप जब RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो रूल क्या होता है? हाइड्रोजन जो है आपका बैक में होना चाहिए, यानी आपसे दूर होना चाहिए। आपसे दूर तभी हो सकता है जब एक इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे आपको दूर यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन आपके सामने है। आप क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे, हाइड्रोजन को दूर ले जाने के लिए एक इंटरचेंज कर दिया, यानी कि आप इसको इससे रिप्लेस कर दिए और इस ग्रुप को इससे रिप्लेस कर दिए। तो 3 को 4 से और 4 को 3 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? रिप्लेसमेंट के बाद जो सिचुएशन होगा, तो ये हम रिप्लेसमेंट के बाद बना रहे हैं, यानी जो है 3 यहाँ पर अब चलाएगा और 4 यहाँ चला जाएगा। 1 और 2 जो है जैसा है वैसे ही पोजीशन पे रहेगा। अब आप देखिए ये R है कि S है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए,
आप देखिए इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन एक एस है जो कि आपको एक बार इंटरचेंज करने से मिला है, यानी ओरिजिनल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, यानी ओरिजिनल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, आपको एक बार रिवर्स भी करना पड़ेगा। यानी एस है तो ए जो है आर है, यानी जब आपने रिवर्स नहीं किया था, इंटरचेंज नहीं किया था, उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन आर था। तो ये बात आपको याद रखना है, पिछले वीडियो में भी हमने कहा, अगर आप एक बार स्वैप करते हैं, एक इंटरचेंज करते हैं, वन इंटरचेंज, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन जो है रिवर्स हो जाता है। तो आपको एक इंटरचेंज के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आया उसको रिवर्स करके आप ओरिजिनल कंपाउंड का, ओरिजिनल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रंट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकाला जो कि आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब बैक कार्बन को देखते हैं। बैक कार्बन को आप इस साइड से देखिए, इस साइड से अगर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, आप इधर से देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो इधर साइड में आपका क्या होगा, आप यहाँ पे खड़े हैं और इधर की तरफ देख रहे हैं, इधर खड़े हैं और इधर देख रहे हैं, तो आपका ये राइट हैंड होगा और इधर साइड में क्या होगा, लेफ़्ट हैंड होगा। आप कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यानी कि आप इधर की तरफ फेस किए हुए हैं और देख रहे हैं, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इधर साइड में होगा और लेफ़्ट हैंड होगा जो इधर साइड में होगा, यानी CH3 ग्रुप आपके राइट साइड में है और CH2 CH3 ग्रुप आपके लेफ़्ट साइड में है। तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा बना दीजिए इस केस में। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं, तो आपको राइट साइड में क्या दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा CH3, तो यहाँ आपका राइट साइड है, और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा CH2 CH3, और नीचे में दिखेगा हाइड्रोजन, और पीछे में एक ग्रुप दिखेगा वो होगा CHOH Br। यहाँ पर एक OH लगा दीजिए, एक यहाँ पर Br लगा दीजिए, तो यही ग्रुप आपको पीछे में दिखेगा। अब यहाँ पे ए वाला जो कार्बन है वो आपका कायरल कार्बन है, बेसिकली इसको आपका ये बैक कार्बन है यहाँ पे। तो कैसे करते हैं आप RS नोमेनक्लेचर, पहला चीज़ होता है आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होता, तो कौन सा कार्बन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ए वाला जो कार्बन है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि सी से जुड़ा हुआ, फिर ओ से जुड़ा हुआ, फिर Br से जुड़ा हुआ, उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी का ग्रुप ए है, तीसरा प्रायोरिटी का ग्रुप ए है, और हाइड्रोजन आपका चौथे प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से आपका हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे नहीं है, यानी आपसे दूर जाता हुआ नहीं है, तो आपको एक इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ ले जाइए इसको और इस ग्रुप को यहाँ ले जाइए। अगर ऐसा आप करेंगे, एक इंटरचेंज करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है पीछे की तरफ चला जाएगा आपसे, यानी कैसा दिखेगा एक इंटरचेंज करने के बाद, हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, इसको फिर से बनाते हैं, हाइड्रोजन जो है अब पीछे चला गया और यहाँ पे आ गया CHOH Br, ए ग्रुप यहाँ आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका CH2 CH3 ग्रुप, और यहाँ पे आ गया आपका CH3 ग्रुप। अब आपको पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसका सेकंड प्रायोरिटी है, इसका थर्ड प्रायोरिटी है, हाइड्रोजन आपसे पीछे है, लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब देखिए किधर की तरफ आपको 1 से 3 में जाने में मोशन हो रहा, तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, तो ये आर टाइप का मोशन है, यानी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, आर होगा, तो ये क्लॉकवाइज है तो आर होगा। बट इसको आपने कैसे लाया है, इसमें एक कार्बन पे आपने इंटरचेंज किया था, यानी आर कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप रिवर्स कीजिएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी जो बैक कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस है। तो फ्रंट कार्बन का आर था और बैक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस था। तो यही रिजल्ट आपका दूसरे मेथड से भी आया था, जो कि बाउंड लाइन डायग्राम से हमने RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला था। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप वो वाला वीडियो भी देखिए जिसमें RS कॉन्फ़िगरेशन जो है बाउंड लाइन के थ्रू निकाला था, वहाँ भी फ्रंट कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन आया था और बैक कार्बन पे S कॉन्फ़िगरेशन आया था।
कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप चाहें तो सहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन फार्मूला में निकाल दीजिए, या तो आप चाहें तो बाउंड लाइन डायग्राम बना के RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए स्टीरियोकेमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।